सावन माह में भोलेनाथ के भक्तों का अलग अलग भक्ति भाव देखने को मिलता है, जहां भक्त अलग अलग रूप में अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। कुछ ऐसा ही वाक्या बिलाईगढ़ में देखने को मिला है, जहां युवती अन्य जल त्याग कर शिवजी के आराधना में लीन हो गई है। मामला बिलाईगढ़ के छपेरी गांव का है। यहां रहने वाली युवती हेमलता सलीहा से लगे घनघोर जंगल के बीचों बीच मुनिचुआ में शिवजी की आराधना करते हुए भक्ति में लीन हो गई है और तपस्या करने लगी है। ऐसे में हेमलता के परिजन भी जंगल में अपनी जान जोखिम में डाल तंबू लगाकर उसकी पहरेदारी करने को मजबूर है। परिजनों ने बताया कि हेमलता बचपन से ही भक्ति भावना में अपनी आस्था रखती है और पूजा पाठ किया करती थी। बेटी हर आगे है तो आए हैं गा मगर पाछू पाछू का करत है आप मन के बेटी है आ भगवान के भक्ति में है। के दिन हो गए भक्ति में लीन हो? 3 दिन। प्रमाण ले आए। तब भोलेनाथ के पूजा में लीन है और देखा देखा तो अपन बातचीत कोई ला नहीं करते। खाना पीना गोरख भर दिया थे खाना, क्या बोलते निश्चित खाना भी नहीं खा रहे। सावन माह का पावन वर्ष जिसमें लोगों की भक्ति अनेकों प्रकार से दिखती है और लोग कई सौ किलोमीटर कांवर लेके जल चढ़ाने जाते हैं, ऐसे ही एक भक्ति का रूप हमें सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के मुनिचुआ जंगल में देखने को मिला, जहां हेमलता लड़की जिसकी वर्ष 28 वर्ष है, जो कि शिव जी के भक्ति में डूबी हुई है और उनके परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि पहले ही सोमवार से वो लगातार मौन धारण करके बैठी हुई है। वहीं बीच बीच में कभी दूध या पानी का सेवन कर लेती है, लगातार मौन धारण करके बैठी हुई है। अभी हमने उनके माता और उनके मौसा जी से भी चर्चा की तो उनके द्वारा भी बताया गया कि घर से बिना बताए वो मुनिचुआ जंगल में शिव जी का मंदिर में लगातार भक्ति में लीन है और उसके बारे में यह भी आगे जानकारी मिला कि वो बचपन से ही इसी प्रकार से शंकर जी के भक्ति में लीन रहती है। विजय सोनी, सारंगढ़ बिलाईगढ़, तप्ता मीडिया।